हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज यानी कि 16 जुलाई 2023 को जो RRCET का एग्जाम हुआ है, और उस एग्जाम में जो आपसे 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी 35 क्वेश्चंस के हम आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास में है डी सीरीज की बुकलेट, तो आपके पास ए बी सी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको बताएंगे। तो आप अपनी बुकलेट को ओपन कर लीजिए और आप अपने क्वेश्चन को हमारे इस वीडियो के साथ आप है जो वीडियो को पॉज कर करके मिलान कर सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं डी सीरीज की पहले क्वेश्चन की। तो वीडियो शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना। तो हम शुरुआत करते हैं डी सीरीज के क्वेश्चन नंबर एक की। तो डी सीरीज का पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को पुनः विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त दृश्य कौन सा होता है, नॉर्मल का, यानी कि पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम दो की बात करें, तो राजस्थान राज्य के निवासियों की शिकायत निवारण पारदर्शी एवं जवाबदेही साधन का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस की परियोजना है। तो कौन सी है, राजस्थान संपर्क, यानी कि दो नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन से वेब खोज इंजन है, यानी कि सर्च इंजन। तो सर्च इंजन गूगल भी होता है, बिंग भी है और याहू भी है। तो तीन नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर चार, पीएनआर रेलवे में द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को जो निर्दिष्ट 10 अंकों की एक अद्वितीय नंबर होता है पीएनआर, अब पीएनआर का पूरा नाम आपको बताना है। तो पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि चौथे का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करें, तो NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। तो पांच नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, चुनावी सूची में नाम खोजना, NVSP यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। क्वेश्चन नंबर छह की बात करते हैं, निम्नलिखित बयानों में से रैम और रोम के संबंधों में कौन सा सही है। तो रोम एक वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है, ये बिल्कुल गलत है। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिस पर आप वर्तमान कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। रोम बायोस भी संग्रहित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। रैम उपयोगकर्ता को डेटा को पढ़ने लिखने की अनुमति देता है, ये भी सही है। और बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं, तो इसका मतलब खाली रैम ये जो अपना डेटा खोती है, रोम अपना डेटा जो नहीं खोती है। तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर बी है, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, तो यानी कि दो, तीन और चार, यानी कि छह नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित परिभाषाओं का विचार कीजिए। तो अगर हम सात नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो व्यक्तिगत पत्रों की एक बैच बनाना और प्रिंट करना, चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, आदेशों की श्रृंखला, यानी कि ये अगर सभी की अगर हम बात करें तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आठ की हम बात करें, तो विंडोज 10 में इनबिल्ट रियल टाइम का जो एंटीवायरस, उसका नाम क्या होता है, विंडोज डिफेंडर, यानी कि आठ नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम नौ की बात करें, दुर्भावना पर सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने में रोकने में मदद करता है। तो फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको रोकने में मदद करेगा। तो नौ नंबर का ए ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, indianrail.gov.in का। ग्यारह नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला को प्रस्तुति को क्या कहते हैं, स्लाइड शो। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो 1 GB किसके बराबर होता है, तो 1 GB बराबर होता है 230 की पावर के बाइट्स के बराबर में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में तेज बहुत समय और कम भंडारण क्षमता होती है, और प्राथमिक भंडारण इकाइयां कार्मिक होती है, द्वितीयक भंडारण के नॉन वोलेटाइल होती है। तो यानी कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका पहला और तीसरा ये ऑप्शन सही है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का हम कह सकते हैं बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, तो आप इसमें 24 घंटे उपयोग कर सकते हो, ये राइट है, ये मतलब इसका लाभ है, दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी इसका लाभ है, और ये पैसे को तुरंत प्रभाव से स्थानित कर देता है, ये भी इसका लाभ है। आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये इसका लाभ नहीं है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, पिक्सल होती है, तो 15 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव क्या उपयोग है? तो स्ट्राइक थ्रू होता है हमेशा शब्द के लाइन के बीच को अंदर उसके अंदर एक रेखा खींचना, तो चयनित टेक्स्ट के माध्यम से एक और एक रेखा खींचता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कोई भी दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा जांचने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव का। हम देखते हैं भी कैसा प्रीव हमारा दिखेगा, तो 17 नंबर का सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो मूल और असंशोधित दस्तावेजों का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग करते हैं डिजिटल हस्ताक्षर, तो 18 नंबर का ए ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो राजस्थान के लिए सहज सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, पास यानी कि सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार, एंड टू एंड क्लाउड क्षमता है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा राजमेघ की तरफ से ये सर्विस होती है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप एमएस पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हो तो कौन सी की आपको दबानी पड़ेगी? एस्केप कुंजी, तो हम 20 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एडोब रीडर है जो पीडीएफ फाइल को रीड करता है, तो 21 नंबर का बी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम 22 की बात करें, तो नीचे की तालिका में सही मिलान करके आप इसका चयन कीजिए, तो राजधारा, राजस्थान संपर्क, जीस और डिसस के हैं। अगर राजमेघ की बात करें तो यह राजस्थान क्लाउड है। राजस्थान ईवलेट की अगर हम बात करें तो एंड टू एंड दस्तावेज, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या के डेटा के आधार पर 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या से जारी की जाती है आधार से, तो 23 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, एक हार्ड डिस्क को ट्रेस में विभाजित किया जाता है जिसे आप उन्हें उप विभाजित हम कर सकते हैं, तो सेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, हम उस स्क्रीन पर कई लाइनों का प्रदर्शन करके सेल के भीतर सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मेल मर्ज का, तो 25 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि 26 नंबर का ए ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां पर ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं? तो स्पैम मेल होते हैं, तो 27 नंबर का बी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है कहा जाता है स्कैनर, तो 28 नंबर का सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें, तो डॉक्यूमेंट सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी दस्तावेज की मेमोरी से स्टोरेज माध्यम से कॉपी करना, किसी दस्तावेज को मौजूद सामग्री में प्रयुक्त करना, किसी दस्तावेज का स्वरूप है समरूप बदलना, कीबोर्ड के उपयोग करके टेक्स्ट दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 30, एमएस एक्सेल फंक्शन को जो फॉर्मूला है इक्वल लेफ्ट फिर ब्रैकेट के अंदर सेमी कोलन के अंदर वी एम ओ यू स्लैश कॉमा 2, यानी कि अगर इसका हम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा? तो यानी कि पहले दो अक्षर आपको दिखाएगा लेफ्ट साइड के, तो वी एम ओ यू के पहले दो अक्षर कौन से रहेंगे? वी और एम, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जो राइट आंसर रह जाएगा। मानव और मशीन के अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती का प्रतिक्रिया का प्रमाणिक अंतर क्या कहा जाता है? कैप्चा। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस ऑफिस पावरपॉइंट को मैक्रो सक्षम प्रस्तुति फाइल एक्सटेंशन क्या चीज है? तो डॉट पीपीटी होता है, तो 32 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर रह जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? तो आरटीजीएस भी होता है, आईएमपीएस भी होता है, एनईएफटी भी होता है और एमआईसीआर, तो एमआईएस सर इसका राइट आंसर है, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है जो राइट आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करें, तो 34 नंबर क्वेश्चन में एमएस वर्ड गटर किससे संबंधित है? तो मार्जिन से संबंधित होता है, तो 34 नंबर में सी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके वर्तमान स्लाइड शो कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर आप शुरुआत से करोगे तो आपको F5 दबाना पड़ेगा, और जो आपके सामने प्रेजेंट टाइम है और वहीं से आपको शुरुआत करनी है तो उस कंडीशन में हम शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, तो यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज 16 जुलाई 2023 के जो RCET एग्जाम में पूछे गए थे 35 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे इन सभी क्वेश्चन का जवाब दिया होगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।